नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में बनाया उस प्रश्न का डिस्कस करते हैं। इस सेट में 67th पीटी का भी पेपर 67th बीपीएससी पीटी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था 8 मई जो कैंसिल हो गया था उसका भी सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर दो पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल में। क्वेश्चन नंबर पाँच पर आ जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसमें पकी हुई ईंट से इमारत जो बना हुआ ये प्रमुख विशेषता रहा है। क्वेश्चन नंबर छः पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर सात पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में। देखिए ये 67 पीटी में एग्जाम में पूछा था जो 8 मई को हुआ था और वो एग्जाम कैंसिल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर आठ पे आ जाए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनावली। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाए, निम्न में से किस हड़प्पा नगर से जुटे हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर दस पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है बी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, बोगज कोई का महत्व इसीलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन जो है मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषनी नदी। ठीक है, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौवां मंडल, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए कि ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोम तथा और इस पे का नामकृत देवता, मतलब सोम पे ये जो है समर्पित है। इससे पीछे भी डिस्कशन इसका हुआ। गायत्री मंत्र, क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है या किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। फाइनल रिवीजन है, एक बार कम से कम देख ले क्योंकि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनाता आया है। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसेसिक। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडगनाम में जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में। माता का नाम त्रिशला। ठीक है, और वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जात्रिक संघियों के क्षत्रिय संघ के प्रधान हुआ करते थे। इनके बड़े भाई जो है नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन इतिहास जो है एनसीईआरटी की बुक में 540 ईसा पूर्व दिया गया है इनका जन्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे, डिटेल में डिस्कशन करना थोड़ा टफ है क्योंकि बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा। कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास को ख़त्म करें और सेकेंड वीडियो में मध्यकालीन, थर्ड वीडियो में
आधुनिक भारत का इतिहास कम से कम एग्ज़ाम से पीछे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है सबका एक बार डिस्कशन जरूर कर लेंगे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। कब हुआ है तो यहाँ आप डिटेल में देख लीजिए, 527 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, 599 ईसा पूर्व में जन्म है, ठीक है। महावीर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो ये जमाली, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, सबसे पहले का जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये हो जाएगा 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ, प्रथम उपदेश भी यहीं दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहा जाता है, मृत्यु भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 25 पे, इसका गलत हमने टिक कर दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मदमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचम पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए के रूप में किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवक बोला जाता था, जो घूमता रहता था उसको। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये हो जाएगा मखली गोसाल, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो उदयन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि 30 पे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उदयन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर जो है बसाया था, या नगर छूटा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रिज? ये क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन में दे देता है गिरिब्रिज भी, या कभी कभी राजगिरी भी दे देता है, ठीक है। अजात शत्रु, क्वेश्चन 34 कह रहा है, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अजात शत्रु किस वंश के थे? तो ये हरियक वंश के थे, ठीक है। क्वेश्चन 35 का, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, इंडिका का लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए, अंतिम मौर्य सम्राट था तो ये बृहद्रथ, इसी के हत्या कर जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था।
क्वेश्चन नंबर 41 करा है कि किस किस अरे यार क्वेश्चन नंबर 41 करा कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 42 कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखें, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ई ऑप्शन दे रहा है कि कलिंग के छेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहक वाहन वंश भी पड़ गया। ठीक है, और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है खारवेल हुआ है, और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया थे, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था, वो थे ये थे स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए किस प्रकार की भूमि को अपहरत कहा जाता था। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था, तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए, 47 कह रहा है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री थे सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ठीक है, 48 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ये किए थे ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कलहन की पुस्तक का क्या नाम है, तो राजतरंगनी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर आ जाए 51 पे कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कर कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 करा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्दीत हुई थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्दीत हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय या उत्तर वैदिक काल में भी इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, डी ऑप्शन सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा काश्मीर में, और ये चतुर्थ बौद्ध सभा था, ये भी याद रखें ध्यान में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, अरे क्या चक्कर है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए कि बुद्ध के जीवन के चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध चार स्थानों का उल्लेख है, यह दो स्तंभ एक और सेकेंड में अंकित किया गया है, आपको इसको सुमेल करना है। ठीक है, तो जन्म जो हुआ है, जन्म इनका हुआ है लुम्बिनी में, तीन हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति जो हुआ है, ये ज्ञान प्राप्ति हुआ है बोधगया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, और निधन इनका कुशीनगर में हुआ, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए कि गौतम बुद्ध
को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के टाइम पीरियड में इन्हें देवता की स्थान जो है प्रदान किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में महायान और हीनयान में बट गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये था वैशाली में, लिच्छवी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 जहाँ महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल, और संस्थापक थे कुमार गुप्त। यहाँ डिटेल में डिस्कस है कुमार गुप्त के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आगे होगा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है क्यों लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, नीचे दिए गए छोटा कर लेते हैं, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए और दूसरा आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। दूसरा कह रहा है कि कारण इसका कह रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो चुका था, और इसमें पूछा गया कि उपयुक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है कारण आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए कि मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र भी हो जाएगा और इसका गिरिब्रिज या राजगिरी भी हो जाएगा, यानी कि इसका अगर उत्तर बना जाएगा तो अभी के अनुसार ई ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र ही होगा, ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें भी ई ऑप्शन दिया गया। ठीक है, इसका व्याख्या जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि 70 नंबर कह रहा है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए कि जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखादत्त, और विशाखादत्त के द्वारा जो लिखा गया है मुद्रा राक्षस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 72 करा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी से। 74 पे आ जाए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये शिवाजी के द्वारा गठन किया गया था। मध्यकालीन का भी क्वेश्चन प्राचीन में लग रहा घुसा दिया। 75 को रहा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाए कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
76 का सी ऑप्शन, अशोक का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये था श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, यह ऑप्शन समस्तीपुर भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो ये है प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 80 पे आ जाए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के धर्म का धर्म या धर्म का एक नैतिक संहिता थी, अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता था, उपासीनवे बहु याने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात क्या संस्कृत मिले, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता, साधुता बनाए रखना इत्यादि, ये सब था, इसीलिए इसका उत्तर जो है ई ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए कि केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाबरू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाए कि अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी, इसमें क्या उत्तर दिया है ये देख लेते हैं। 83 इसका भी यही उत्तर है। 84 कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था, तो ये राजनीतिक शासन के सिद्धांत पर आधारित था, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अर्थ पे तो नहीं आधारित था, व्याख्या क्या दिया गया है इसका, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों के अभ्यास की पुस्तक है, इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता था, तो इसमें यह भी सही हो जाएगा। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत राजा अमात्य जनपद दुरु कोष दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है, तो इसका दो उत्तर इसमें सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन सही है, 63 BPSC में पूछा। 86 कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, और कौन कौन था, दर्शासनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक व सभासद 7। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 87 कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज द्वारा रचित जो पुस्तक है इंडिका उसमें इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेयन सी किसने लिखी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पुस्तक जो है एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस मनुस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, और यह रोमन मिस्र के बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों पर का वर्णन करता है, इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 89 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो ये है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 91 करा इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा किड फेसस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि कला की गंधार शैली, कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली, कब फली फूली, तो कुषाणों के टाइम पीरियड पे, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेंसिल भी कभी कभी जो है ना वर्क करना छोड़ देता है। 93 कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कश्मीर में आयोजित की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो ये हो जाएगा कन्नौ। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से या लेख के साथ। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये गुप्त काल की सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में जो है बंगाल में ताम्रलिपित एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कक्ष या बहडौच के नाम से जाना जाता था, जिसमें उत्तर जो है ये हो जाएगा एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों में एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, आगे देखते हैं इसका उत्तर, तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाए गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी, गुप्त वंश में युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपज का छठवां भाग। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए भागवत संप्रदाय के विकास में किनकी देन अत्यधिक थी, भागवत संप्रदाय के विकास में किनकी देन अत्यधिक थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त जो है होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा यह जो है पहली बार वर्णन किया गया था। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर जो है ये ऑप्शन है और व्याख्या आप यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये था मथुरा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबी बान निवासी था, तो ये पाटलिपुत्र का निवासी था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, ये तो इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। इत सिंह जो है 771 या 772 ईस्वी में जब वो युवक था तो 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन जो है वापस चला गया था, जिसका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त, इसका डिस्कशन पीछे भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 109 देखें ताम्र
पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो ये जावा सुमात्रा से। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 110। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल पुत्र देव। क्वेश्चन हम आगे देखें कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कारक थे, तो ये हो जाएगा मुसलमान बख्तियार खिलजी के द्वारा यह विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन हम आगे देखें, खुजराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, खुजराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल। क्वेश्चन नंबर 113 देखें, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम हो जाएगा? धर्मपाल जो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 करा, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कदम। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाए, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 116 पे आ जाए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। 117 पे आ जाए, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? चंद्र बदाई। आगे आ जाए, स्वप्नवासवदता के लेखक हैं, स्वप्नवासवदता के लेखक हैं, तो ये हैं भास। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाए, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था भारवी के द्वारा, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाए, वह स्वर्ण का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाए कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था विजयालय। क्वेश्चन नंबर 124 पे आ जाए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत विलेज असेंबली के लिए फेमस था। क्वेश्चन 125 पे आ जाए, कौन सा मध्यकालीन साम्राज्य भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। क्वेश्चन नंबर 126 पे आ जाए कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये गोपुरम के नाम से जाना जाता था। एक मिनट, तो 126 प्रश्न कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 126 की दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता था? तो ये गोपुरम के नाम से जाना जाता था। तो इस वीडियो में प्राचीन भारत इतिहास के 126 प्रश्नों का डिस्कशन हमने किया, और इसके बाद आपको इस चैनल पर मध्यकालीन भारत के इतिहास का वर्णन, मध्यकालीन भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं 67 PT तक, उसका डिस्कशन किया जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको 67 PT का जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं मध्यकालीन भारत के एक और नए सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है? मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।